असदुद्दीन अगर से बुलाए हैं हमारे को दावत दिए तो हम केसीआर के साथ डाइस पे के साथ है, जो केसीआर सोनिया गांधी तेलंगाना दी और केसीआर बोले उस दिन आप मेरी अम्मा हैं, अगर से मैं मेरी चमड़ी भी निकाल के आपको चप्पल पहनाए तो कम है, ये बात बोलिए। और उसके बाद में उन्होंने जाके सोनिया गांधी को गालियाँ देते, राहुल गांधी को गालियाँ देते, चलिए राहुल गांधी को आप बाजू घटाइए, सोनिया गांधी जो तेलंगाना दिए आप उसके ख़िलाफ़ बात करते तो वो शख्स के साथ हम डाइस पे कैसा ठहर रहा साहब। आज तेलंगाना की हकीकत किसके वजह से हुई? सोनिया गांधी की वजह से हुई। आज तेलंगाना हकीकत में आया किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के वजह से। और ये केसीआर सोनिया गांधी जो उसकी माँ की तरह देखा, और सोनिया गांधी तेलंगाना की माँ है, आप उसको गालियाँ देते और आप उसकी दूध की लाज नहीं रखते, हम स्टेज पे कैसे जाते? नामुमकिन है। असदुद्दीन ओवैसी कभी भी जो भी पार्टी पावर हो में आती उनसे अलायंस कर लेते, आप सेंटर में बीजेपी से नहीं चल रहे अलायंस करके, वरना एक एमपी की उतनी हिम्मत ही तबात कर रहे, इनकम टैक्स का रेड हो जाता, ईडी का रेड हो जाता, सीबीआई के केसा उठ जाते, अकबरुद्दीन जेल को चले जाता, वहाँ पे टाइप है। और यहाँ पे इंशाल्लाह 3 साल के बाद जब कांग्रेस आएंगी तो असदुद्दीन कांग्रेस के साथ ही रहते, इनके बाप के तरफ टाइम से है, जो भी मुख्यमंत्री आता उनके पास चले जाते, एनटी रामाराव चले गए, चंद्रबाबू आए चले गए, राशे रेड्डी आए चले गए, केसीआर आ गए चले गए, फिर अब कांग्रेस के कोई हमारे उत्तम साहब, कोमट रेड्डी साहब, बट्टी साहब, कोई भी चीफ मिनिस्टर रहते तो तोते बन के उनके पास झुक रहते। ये तो असदुद्दीन की फितरत है, कुछ नई बात पूछो साहब, कुछ अच्छी बात पूछो, पब्लिक के फायदे की बात पूछो।